भाजपा उम्मीदवार हैं जो सांसद थे 5 साल तक, वो क्या उन्होंने 5 साल में किया इस बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। मौजूदा सांसद ये बताएं कि क्या एक भी कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल इनके कार्यकाल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये बनवा पाए, बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जिन्होंने सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया, तो आज हमने नामांकन भरा है और हमें विश्वास है कि रोहतक से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर एक बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अमूमन ऐसा होता है कि जो विपक्षी किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है वो ये कहता है कि मैं ये करूंगा, और सत्ता दल वाला उम्मीदवार ये बताता है ये मैंने किया। मगर रोहतक में जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हमको ये भी बताना पड़ रहा है, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने ये किया। जब यहाँ से बतौर सांसद लोगों ने मुझे मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए क्या किया वो भी हम ही बता रहे हैं, और आगे क्या करेंगे वो भी हम ही बता रहे हैं। और यहाँ के जो भाजपा उम्मीदवार हैं जो सांसद थे 5 साल तक, वो क्या उन्होंने 5 साल में किया इस बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। आपको याद होगा लगातार पिछले कई महीनों से आपके बीच में मैंने पूरा ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने, यहाँ से मुझे मौका मिला था बतौर सांसद, तो क्या सब किया था। उदाहरण के तौर पे जब मेरा कार्यकाल रहा बतौर सांसद, रोहतक में 250 से ज्यादा नए सरकारी शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें IIM, IIT, एम्स, FDDI, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इत्यादि 250 से ज्यादा सरकारी संस्थान, जिसमें लगभग 200 के करीब स्कूल हैं और 50 उच्च शिक्षा के संस्थान। इसी प्रकार से एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी, 4 नए सुपर स्पेशलिटी के साथ 68 रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय अस्पताल, PHC, CHC ग्रामीण स्तर के और कस्बों के अस्पताल स्थापित करवाने का काम मैंने करवाया था। 2 थर्मल के बिजली की पूर्ति के लिए 2 थर्मल के कारखाने उस समय लगाए गए, स्थापित किए गए थे झज्जर में। सड़कों के माध्यम से 12 मेरे कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नोटिफाई हुए थे 1080 किलोमीटर के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के, और 17 शहरों और कस्बों में बाईपास उस समय बने थे, महम का बाईपास, रोहतक का बाईपास, भादौड़ का बाईपास, कलानौर का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, कोसली का बाईपास, झारा का बाईपास, ये सभी उस समय बने थे, रोहतक में आए थे। मेरा सवाल ये है, ये सब हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमने किया था अपने कार्यकाल में, और ये भी बताना पड़ रहा है कि अब आगे क्या करेंगे। मगर मौजूदा सांसद ये बताएं कि क्या एक भी कोई स्कूल कॉलेज अस्पताल इनके कार्यकाल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये बनवा पाए, क्या 1 इंच भी मेट्रो को आगे बढ़ा पाए, क्या एक भी बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा पाए, कोई थर्मल का कारखाना लगा पाए, कोई एक काम भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए मौजूदा सांसद बताएं। और हमारा देखो हमारा जो आगे विकास के रफ्तार, आगे दोबारा से जो इस सरकार में विकास की रफ्तार, विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा प्रदेश और रोहतक लोकसभा क्षेत्र, दोबारा से हरियाणा खुशहाली में देश में नंबर 1 हो और रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास के मानचित्र में देश में अपनी पहचान बनाए दोबारा, ये हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है मेट्रो जो 10 साल तक आखिरी खंभा जहां मैं छोड़ के गया था वहीं खड़ी, मेट्रो
रोहतक तक पहुंचे। झज्जर के अंदर एक विश्वविद्यालय संत गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय झज्जर में स्थापित हो। कोसली के अंदर एक IMT बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर IMT के तर्ज पर कोसली में स्थापित हो। हमारा संकल्प है भादुगढ़ में रिंग रोड बने, चारों तरफ के बाईपास बने और भादुगढ़ आने वाले समय में एक बड़ा महानगर का रूप ले। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र को संबंधित हमारा एक घोषणा पत्र भी हम जारी करेंगे, जो हम संकल्प लेते हैं, जो काम किया था काम करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को का चयन करने के लिए दो महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं, काम, उसका काम और उसका आचरण, सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण। मेरा काम भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र और प्रदेशवासियों के सामने है, मेरा इन वर्षों में आचरण भी लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं अगर काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं उनकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूं तो वो मेरा साथ दें, आने वाले समय में मैं उनका मान सम्मान देश में बढ़ाने का काम करूंगा। देखिए प्रचार में जो जो भी हमारे चीज नेतृत्व है, जैसे किसी कोई कार्यक्रम बनेंगे आपको बताएंगे। ये जैसे मैंने कहा, ये चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का ही चुनाव साबित नहीं होगा, ये हरियाणा में बदलाव लाने का भी चुनाव साबित होगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जिस दिन यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से बड़े बहुमत से हम जीतेंगे, उसी दिन हरियाणा की अगली सरकार की नींव रोहतक चुनाव के नतीजे से रखने का काम रोहतक के लोग करेंगे। हरियाणा के अंदर ना सिर्फ रोहतक बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जो हरियाणा का माहौल बना है आज, आप सब उसके साक्ष्य गवाह हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं। भाजपा ने भी लोगों की नाराजगी को भांपते हुए एम चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन भाजपा अब क्या चेहरे बदलेगी, अब तो ये जनता है, जनता सरकार बदलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। सीएम कल मैं देख रहा था कि कल जो नामांकन हुआ उसमें जो यहाँ के हमारे सांसद थे जिन्होंने 5 साल तक ना लोगों के बीच में गए और ना ही कुछ किया, उन्होंने उम्मीदवार के रूप में राजनाथ सिंह जी के आगे कहा कि यहाँ सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए, लेकिन उनसे क्या उम्मीद की जाए जिन्होंने सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। देश के सैनिकों को ही अग्निवीर बनाने के बाद जले अपने नमक छिड़कने का काम करते हुए यहाँ के उम्मीदवार ने 5 साल के बाद क्षेत्र की एक बात उठाई तो ये उठाई कि यहाँ सैनिक स्कूल बनाया जाए। ये कहानी है।